गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड जो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसका टॉपिक पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है। वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज तक प्लांट्स में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हर प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ के जो है वो एसेंशियल है और वो फ्लावरिंग के लिए जरूरी है। तो ये जो पीरियड है फ्लावरिंग, वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग होने का, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग है। जैसे कुछ में फ्यू मंथ्स हैं तो किसी में एनुअली फ्लावरिंग होती है, जबकि कुछ प्लांट्स में स्पेसिफिक सीजन में फ्लावरिंग होती है। तो अब हम पढ़ेंगे फोटोपेरियोडिज्म। फोटोपेरियोडिज्म प्लांट्स के अंदर वो बायोलॉजिकल फिनामिनन है जो दिन और रात की लंबाई के रिस्पॉन्स में होते हैं। यानी फोटो का मतलब लाइट और पीरियड का मतलब ड्यूरेशन। यानी किसी भी प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए लाइट का ड्यूरेशन कितना जरूरी है, ये जो है फिनोमिनन ये फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। सबसे पहले गार्नर और एलर्ड ने इसका प्रिंसिपल दिया था। इसके बेसिस पर, यानी डे और लाइट की लेंथ की बेसिस पर, ये तीन टाइप्स का होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स वो हैं जिनमें कि एक डेफिनेट पीरियड से कम फोटो पीरियड या लाइट फ्लावरिंग के लिए जरूरी है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्राइसेंथेमम, कॉस्मोस, जेंथियम आदि। यानी इन प्लांट्स को डे पीरियड या जो लाइट पीरियड है वो कम चाहिए और अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड एसेंशियल है। नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स। इन प्लांट्स को एक डेफिनेट पीरियड से लंबा फोटो पीरियड चाहिए, यानी ये एक डेफिनेट पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए। इन प्लांट्स को बहुत डार्कनेस जो है वो बहुत कम चाहिए या इनके अंदर कंटिन्यूस लाइट से भी फ्लावरिंग हो सकती है। तो इन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है वो लेंथ ऑफ द डे से नहीं बल्कि लेंथ ऑफ द डार्कनेस से प्रभावित होती है। यानी इनको बहुत कम डार्कनेस चाहिए और लाइट पीरियड लंबा चाहिए। इसके एग्जांपल हैं डाइएंथस, रेडिश, स्पाइनच, ओट, कैबेज, पिटूनिया एक्सेट्रा। अब है डे न्यूट्रल प्लांट्स। इन प्लांट्स को कोई भी स्पेसिफिक फोटो पीरियड फ्लावरिंग के लिए नहीं चाहिए, यानी इनमें फ्लावरिंग किसी भी फोटो पीरियड में हो सकती है। इन प्लांट्स को फोटो न्यूट्रल या डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे टोमेटो, कुकुम्बर, बालसम, मेज, बीन, पोटैटो, कॉटन एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल डे लेंथ।
अभी हमने कहा कि डेफिनेट पीरियड से या तो लाइट कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो ये जो डेफिनेट फोटो पीरियड है ये 12 आवर्स का है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो जो मिड पॉइंट है 12 आवर्स, दैट इज क्रिटिकल डे लेंथ। जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनको 12 आवर्स से कम लाइट चाहिए, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको 12 आवर्स से अधिक लाइट चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोपेरियोडिज्म। इसके मैकेनिज्म में ये तीन स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। पहला है परसेप्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस, दूसरा है फ्लावरिंग हार्मोन जिसका नाम है फ्लोरिजन, और तीसरा है फाइटोक्रोम कंसेप्ट। तो अब हम पहला पढ़ेंगे, दैट इज परसेप्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर इनिशिएशन है यानी फ्लावरिंग स्टार्ट होना, ये लाइट पर निर्भर होता है। तो ये देखा गया है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट की वो इस लाइट को रिसीव करती हैं, और ये देखा गया है कि इवन अ सिंगल लीफ भी अगर करेक्ट फोटो पीरियड रिसीव कर लेती हैं तो उस प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि लीव्स जो होती है वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, यानी लीव्स लाइट रिसीव करती हैं और फिर उसे शूट एपेक्स तक ट्रांसमिट करती हैं। तो ये जो लीव्स का जो है फ्लोरल स्टिमुलस को शूट एपेक्स तक ट्रांसफर कर देना, ये प्रोसेस जो है कलेक्टिवली इसे फोटोपीरियोडिक इंडक्शन कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जेंथियम प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि अगर सिंगल लीफ है वो भी अगर करेक्ट फोटो पीरियड रिसीव करती है तो फ्लावरिंग पूरे प्लांट में हो जाती है। यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स में सेम आप देख रहे हैं, दोनों में ये प्रोसेस सेम है कि अगर उनको करेक्ट फोटो पीरियड अगर एक भी लीफ को मिल जाता है तो वो पूरे प्लांट में ट्रांसमिट हो जाता है और उस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन अगर डीफोलिएटेड प्लांट्स हैं जहाँ पर कि आपने सारी लीव्स प्लांट की रिमूव कर दी है तो उन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती। ये शॉर्ट डे कंडीशंस में है, जबकि लॉन्ग डे में ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लावरिंग हार्मोन, दैट इज फ्लोरिजन। फ्लावरिंग स्टिमुलस जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स में एक समान होता है, और हार्मोन जो होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ट्रांसलोकेट हो जाता है। फ्लावरिंग हार्मोन के एग्जिस्टेंस का
कई एविडेंसेस हैं, लेकिन अभी तक इसे आइसोलेट नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन जो होता है ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसलोकेट हो जाता है। और ये जो फ्लोरीजन कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसा माना जाता है कि दो ग्रुप के सब्सटेंसेस से बना है और ये लीव्स में बनता है। ये जो दो ग्रुप्स हैं, एक जिबेरेलिन्स और एक एंथेसिन्स। जिबेरेलिन्स जो होता है वो प्लांट के स्टेम के फॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जबकि एंथेसिन्स जो होता है वो फ्लावर फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होती है। अब जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हार्मोन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसलोकेट हो जाता है, जैसा आप ग्राफ्टिंग में देख रहे हैं। अगर एक प्लांट जो कि फ्लावरिंग हार्मोन जिसमें प्रेजेंट है और जिसमें फ्लावरिंग उस कारण से हो रही है, जबकि दूसरा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर इस प्लांट को पहले वाले प्लांट पे ग्राफ्ट किया जाए तो दोनों प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तीसरा है फाइटोक्रोम कंसेप्ट। लाइट का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स में एक समान होता है। सबसे इफेक्टिव रीजन जो है वो 660 से 665 nm रेड, और जो सबसे कम इफेक्टिव रीजन है वो ब्लू लाइट है। और ऐसा माना जाता है कि ये फिनोमिनन जो होता है ये फाइटोक्रोम पिगमेंट के द्वारा होता है। फाइटोक्रोम पिगमेंट जो होता है ये दो फॉर्म्स में रहता है, एक PR और एक PFR। PR जो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और PFR जो कि फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो दिन में जो फार रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म है फाइटोक्रोम का वो प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये पिगमेंट जो होता है ये स्टिमुलेट करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होने को। अब जैसे ही डार्क पीरियड आता है ये फार रेड फॉर्म जो होता है ये रेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को रोक देता है। और अगर इनके बीच में इंटरप्शन हो दूसरी लाइट का तो इनका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर फिर से इनको करेक्ट फॉर्म जो है एब्जॉर्बिंग का वो रिसीव करते हैं तो फिर से फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये आज हमने पढ़ा फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है और इसका क्या मैकेनिज्म है। थैंक यू।